रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन्स, सो अल्काइन्स की रिएक्टिविटी जो है दैट इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द अल्कीन्स. जो नेचर ऑफ रिएक्शन है वो दोनों के सेम है. वहां भी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहे थे, यहां पर भी आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर द एडिशन रिएक्शंस दैट आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल यू नो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशी को हम कहते हैं, या एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, विच नीड्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स. जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा, वहां पे वोल्टेज होगा. ठीक है, तो यहां पे चूंकि हमारे पास अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल इसमें एड हो सकता है. तो जो आपके पास रिएक्शन होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन. राइट, अब इसकी जो रिएक्टिविटी है उसकी अगर हम बात करें तो रेट जो है इसका, जो रिएक्टिविटी है वो एज कंपेयर टू अल्कीन कम है. तीन जो हाइड्रोकार्बन अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, तो इसमें ज्यादा रिएक्टिव आपके पास जो है वो अल्कीन है. अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, और अल्काइन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है अल्केन की बनिस्बत. अल्केन सबसे कम रिएक्टिव है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव. ठीक है, जबकि अल्काइन आर इन बिटवीन द बोथ. इनफैक्ट इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है इनके बनिस्बत, जो अल्काइन और अल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है. अब इन दोनों में अल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, अल्काइन की कम होती है. अब इसकी क्या रीजन है, व्हाई अल्काइन आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन, या व्हाई अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन. ठीक है, तो दो चीजों पे हम इसमें डिस्कशन करेंगे. राइट, एक तो आपके पास जो है कार्बन इन अल्काइन, जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है वो क्या होता है, वो sp हाइब्रिडाइज होता है. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है. ठीक है, और आप लोग पढ़ चुके हैं कि द मोर s कैरेक्टर, जितना s कैरेक्टर किसी बॉन्ड में ज्यादा होता है the stronger it is. S character जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो उसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा. तो अगर एक बॉन्ड मजबूत है उसकी रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, as compared to a weak bond. एक जगह पे अगर वीक बॉन्ड है, एक जगह पे अगर स्ट्रांग बॉन्ड है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा वीक बॉन्ड पे होगी, स्ट्रांग बॉन्ड पे रिएक्टिविटी नहीं होगी. अब आप देखिए अल्कीन्स में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, तो sp2 में जो आपके पास s कैरेक्टर था वो कितना था, 33% था. ठीक है, जबकि sp में जो s कैरेक्टर है वो कितना है, 50% है. ठीक है, सो द मोर s कैरेक्टर मींस देयर इज मोर ओवरलैप. जितना ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप होगा उतना ज्यादा मजबूत आपके पास बॉन्ड बनेगा. ठीक है, तो जितना ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा रिएक्टिविटी कम होगी. दूसरी बात, जो हमारे पास अल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है. ठीक है, sp ओवरलैप हो जाता है, एक sp इधर है, एक sp इधर है, ये sp ओवरलैप बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड आपके पास बन. राइट, अब दोनों कार्बन के साथ यू नो क्या होते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स दो होते हैं, py और py दोनों के साथ अनहाइब्रिड है. इसी तरह pz और pz जो है वो अनहाइब्रिड है. तो ये py और py जो है ये आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर लेते हैं, तो इसके नतीजे में एक क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है. ठीक है, और ये जो py है ये pz के साथ और py के साथ ओवरलैप करके एक दूसरा पाई बॉन्ड बना लेते हैं, और आपके पास तीन बॉन्ड्स बन जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है. ठीक है, अब ये तो बिल्कुल प्लेन पे आ रहा है, जो प्लेन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, ये वो प्लेन है जो कि दो न्यूक्लियाई पर से गुजर रहा है. ठीक है, जिसपे सिंगल बॉन्ड आपका मौजूद है. राइट, अब जो आपके पास ये एक पाई बॉन्ड है,
तो पाई बॉन्ड इज अबाव एंड बिलो द प्लेन। अब ये भी अबाव एंड बिलो है, ये दूसरा पाई भी अबाव एंड बिलो है, लेकिन ये दोनों पाई बॉन्ड जो है एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर एक अबाव एंड बिलो आ रहा है तो एक फ्रंट और बैक में आ रहा है। एक अगर अबाव एंड बिलो है तो दूसरा किधर है, फ्रंट और बैक में आ रहा है। तो ओवरऑल आपके पास एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री बन जाती है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल ज्योमेट्री में आ जाते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसा है कि आप एक पेन को कंसिडर करें। लेट्स से ये आप बल पॉइंट है, राइट? तो इसमें जो ये दरमियान वाला जो इंक वाला पाइप है, राइट, तो वो सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करें, और ये जो इसका एक्सटर्नल ट्यूब है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है चार, क्योंकि आपके पास एक पाई बॉन्ड जो है वो अबव एंड बिलो आ जाता है, एक फ्रंट और बैक में आ जाता है, तो वो सारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मर्ज हो जाती है बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल शेप में। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, पर यूनिट एरिया आपके पास कम चार्ज मौजूद होता है, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते इलेक्ट्रोफाइल के लिए इजीली, सही है। और एसपी करेक्टर की वजह से बॉन्ड मजबूत भी होता है, राइट? तो ये दोनों चीजें जो है ये एक्सप्लेन करती हैं कि आपके पास जो अल्काइन होगा वो कम रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू अल्कीन। अल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अबव एंड बिलो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स अ वीक बॉन्ड, ठीक है, और कोई सिलेंड्रिकल सिमेट्री वहां पे नहीं है, सही है। सो दैट्स व्हाई वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स देयर इजीली अवेलेबल फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे इजी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। सो इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो मुश्किल से आएगा एज कंपेयर टू अल्कीन, दैट्स व्हाई इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन्स।